छत्तीसगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि राज्य में 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। साथ ही इन 4 प्रमुख राजमार्गों के लिए DPR बनाने की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की दिल्ली में नितिन गडकरी के साथ बैठक हुई। भारत मंडपम में दोनों की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और PWD मंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। CM साई ने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर सार्थक चर्चा हुई। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच पहले फेज का काम रिकॉर्ड 4 महीने में पूरा हुआ और इसके लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों को बधाई दी। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारी भरकम बजट क्यों मंजूरी दे दी है? हाँ बिल्कुल, करीब 2 घंटे से ये बैठक चल रही है, भारत मंडपम में बैठक हो रही है और राज्य की जो सड़क परियोजनाएं हैं, निर्माण परियोजनाएं, उसकी समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा के दौरान ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का की घोषणा की है, जो 4 मार्गों के निर्माण में खर्च होगी। साथ ही उन्होंने राज्य की तारीफ भी की है, जिस तरह से रायपुर से विशाखापट्टनम का जो कार्य था वो रिकॉर्ड 4 महीने में पूरा किया गया, निर्माण कार्य को उसको लेकर बधाई भी दी गई है कि इसी तरह से काम होना चाहिए। अभी भी ये बैठक चल रही है और दूसरी जो परियोजनाएं हैं अलग अलग राज्य की, उस पर चर्चा की जा रही है, कहाँ क्या समस्या आ रही है उसका भी फौरन ही निदान किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ चर्चा करके, साथ ही ठेकेदारों के साथ भी बात करके वो समस्या का निदान निकाल रहे हैं कि समस्या कहाँ है और किस स्तर पे है। कहीं अगर ठेकेदार की स्तर पे समस्या है तो उसको हिदायत दी जा रही कि आप अपने काम को तेजी से पूरा करें। अगर कहीं किसी NOC की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। कुल मिला के ये है कि बैठक में जो रुकावटें आ रही हैं सड़क निर्माण कार्यों में, उनको हल किया जा रहा है और जो काम राज्य सरकार ने अच्छा किया, जैसे कि रायपुर से विशाखापट्टनम का निर्माण कार्य रिकॉर्ड उसमें किए, तो उसकी तारीफ भी की गई है और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि बैठक करीब 1 घंटा और चल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये बैठक अभी आगे और भी चल सकती है। 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने की बात सामने आ रही है। 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जशपुर में फिर एक नाबालिग बच्चे के दुष्कर्म की वारदात हुई है, जहां 55 साल के बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। बच्चे ने अपने परिजनों को इसके बारे में बताया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो खबर जशपुर से है, जहां पर एक बार फिर से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। 55 साल के बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बालोद में बच्चा चोर गैंग पर पुलिस की नजर है। गैंग की 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झाड़ियों में छिपी थी गैंग की 3 महिलाएं, जहां स्थानीय लोगों ने महिलाओं पर बच्चा चोरी के आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बालोद से, जहां पर बच्चा चोर गैंग पर पुलिस की नजर है। गैंग की 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मुंगेली में नदी किनारे बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग नदी में मछली पकड़ने गया था। शव पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी मुंगेली से, जहां नदी किनारे बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने रोजगार के मुद्दे पर पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस अपने इतिहास का पन्ना पलट कर देख ले, उनके मुख्यमंत्री क्या कहते थे, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। उन्होंने अच्छे काम कर दिए होते तो जनता उन्हें नहीं नकारती। कांग्रेस ने गिरोह बनाकर छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों का हक मारा है। कांग्रेस पार्टी पहले अपना इतिहास के पन्ना पलट के देखते, उनके मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे, विधानसभा में होर्डिंग में क्या लिखा रहता था, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है।
और अगर उन्होंने अच्छे काम कर दिए होते तो जनता उनको नकारती नहीं। जनता के बीच से कांग्रेस ही उठ चुके थे, गिरोह बनकर के छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, गिरोह बनाकर। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अनुपम गार्डन, वेंडिंग जोन, चौपाटी और करबला तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा और निगम के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अनुपम गार्डन में बन रही नई रोड को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता का पालन कराने की शपथ दिलाई। उन्होंने यूथ हब के नाम पर चौपाटी निर्माण पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही हिदायत दी कि 15 अक्टूबर तक चौपाटी नहीं हटाने पर पार्षदों के साथ निगम का घेराव करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। और अब खबर सूरजपुर से, जहां पर 1 अक्टूबर को संभाग स्तरीय वृद्ध जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम साहब भी पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस इस बार प्रदेश स्तरीय सूरजपुर में मना रहे हैं, जिसमें सम्माननीय देश के मुखिया प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णु देसाई जी का आगमन हो रहा है और तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। रायपुर में आज धान खरीदी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक है, जहां बैठक में किसानों से जुड़े कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। बैठक में धान खरीदी की समय सीमा पर भी चर्चा होगी। बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां पर आज धान खरीदी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक है और इस बैठक में किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। धान खरीदी की समय सीमा, कस्टम मिलिंग नीति और धान खरीदी के बाद धान को उठाव, परिवहन, इन सारे बिंदुओं पर मंत्रिमंडलीय उप समिति में आज चर्चा होगी और जो भी राज्य के किसानों के हित में जो अच्छा से अच्छा हो, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत कठिनाई ना हो, बारदाना की उपलब्धता और सारे विषय बिंदु पर टोकन से संबंधित जो सिस्टम है उनके भुगतान संबंधी और सारे विषयों पर आज चर्चा होगी।